ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਈਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਜੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਜੋ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ हरिमंदर साहब के पांच नवे गाइड तैनात किए गए हैं जो कि देश विदेश तो आने वाली संगत को जानकारी देंगे गाइड करेंगे इतिहासिक स्थान रिहायश लंगर बारे जानकारी साझी करेंगे इस अलावा सिख मर्यादावां बारे सिख धर्म बारे भी वो संगत को जागरूक करेंगे खास करके विदेशी संगत के लिए पांच गाइड जो ने तैनात किए गए हैं नवी सहूलत जो है विदेशी संगत को देने की कोशिश SGPC के वालों की गई है करके पांच जो ने नवे गाइड तैनात किए गए हैं जो कि विदेशी संगत को खास करके विदेशी संगत को सिख परंपरावां सिख मर्यादा बारे जानकारी साझी करेंगे इतिहासिक स्थान रिहायश लंगर बारे जानकारी देंगे कि किस जगह पर लंगर है किस जगह पर रिहायश है क्योंकि विदेशी नागरिकों विदेशी संगत को यह दिक्कत आती है तो उस दिक्कत के हल के लिए हुण पांच नवे गाइड तैनात किए गए हैं जो कि हर समय संगत की सेवा के लिए तैनात रहेंगे मौजूद रहेंगे जो कि विदेशी संगत की मदद करेंगे ताकि उन्होंने दिक्कत जो आदि ने पेश हो ना आन जो अक्सर ही विदेशी संगत को जोड़ा है जो तो पहली बार इतने पहुँचते हैं तो उन्होंने जोड़ा है जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिर लंगर घर कितने है या फिर सराहां कितने ने तो उसकी जानकारी हमने नवे गाइड जो ने देने तो पांच नवे गाइड तैनात किए गए हरिमंदर साहिब के जो सिख संगत को आने वाली परेशानियां खास करके विदेशी संगत को आने वाली दिक्कतों जो ने ना सामना उन्होंने करना पवे तो दस दिए कि सिख मर्यादावां बारे भी ये गाइड जो ने सिख संगत को जागरूक करेंगे विदेशी संगत को जागरूक करेंगे और इतिहासिक स्थान इस अलावा रिहायश और लंगर हाल बारे जानकारी देंगे ता जो दूर दराडे संगत आती है उन्होंने कोई भी दिक्कत परेशानी पेश ना आए खास करके संगत के लिए श्रोमणी कमेटी के वालों ही उपराला किया गया है और नाल ही मांग की जा रही थी कि गाइड जो ने तैनात होने चाहिए इस करके हुण यह नवा उपराला SGPC ने किया सब वर्णा लिए सब दिशावां तो आया सारयां लिए सांझा दरबार है तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां गुरद्वारां दे प्रबंध वास्ते जो चुनी गई उसका मुख्य कार्य यही है कि गुरद्वारा साहब दे विच प्रबंध करना ते जो भी इत्थे यात्रू आउंदा उसका रहण दा उहनूं दर्शन करन दा चंगा साधन मुहैया करवाउणा सो पिछले दिनों विच तुसीं देखिया होगा कि साडा श्रोमणी कमेटी नाल संबंधित साढ़े जिहड़े पहरेदार ने साढ़े बरछे वाले आ जां होर आ इन्हां सारयां ने बैठ के एक राय मशवरा बनाया कि संगत जो आ रही है उसनूं संगत की सहूलत वास्ते असी हर तरीके की जिहड़ी आ मदद कर रहे हैं सो सब तो पहलां तां जिहड़े साडे चोबदार ने जिहड़े बरछे वाले ने जिहड़ा भी इत्थे आउंदा तां उसनूं इस गल बारे जाणू करवाउंदे कि तुसीं सिर ढक के आउणा इह इक धार्मिक स्थान है तुसीं इत्थे नशा करके जां नशा लै के नहीं आउणा उस तों बाद ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਾਈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਾਈਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੁੰਗਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਮੇਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋ